हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत दिनों बाद इस चैनल पे मिल रहे हैं एंड आपको एक बात बता दें, आज का जो ये ब्लॉग है ये बेसिकली ये जो एपिसोड है ये बेसिकली एक लंबे ड्राइव की तैयारी और एक लंबे ड्राइव के साथ एसोसिएट होने वाला है। तो ऐसा है कि कमिंग फ्राइडे, आज फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे हम जाने वाले हैं एक लंबे ट्रिप पे, जो शायद अपकमिंग एपिसोड्स में आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं एंड क्या रूट होने वाला है, क्या हम करने वाले हैं उस ट्रिप पे। तो बेसिकली वो जो ट्रिप है दैट इज़ अ फैमिली ट्रिप, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आपको एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जो हमारा आज का मकसद है, तो आज के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। आज का जो मकसद है, आज है फ्राइडे एंड आज हम जा रहे हैं अभी महिंद्रा के सर्विस सेंटर। हमारी बात हो गई थी महिंद्रा में जो सर्विस एडवाइज़र हैं शिरेश ऑटो में मार्थली में, उनसे बात हो गई थी एंड करीब 15 दिन पहले बात हुई थी कि भाई हमें तो लॉन्ग ड्राइव के लिए प्रिपेयर करना है व्हीकल को। तो उनका क्वेश्चन था सर करना क्या है, तो करना ये है कि नाउ माय व्हीकल इज़ ऑलरेडी 18,146 किलोमीटर इन द ऑटो। तो लास्ट सर्विसिंग जो हुआ था तो दैट वाज डन इन 10,000 किलोमीटर्स। तो ये जो राउंड ट्रिप होने वाला है अपकमिंग ट्रिप के लिए, इसमें द क्या कहते हैं उसको, द ओवरऑल टू एंड फ्रो जर्नी विल बी समवेयर 8,500 अराउंड। तो बीच में सर्विस कराना तो बनता ही है, तो हम बीच में नहीं कराते, पहले से सर्विस करवाएंगे एंड द आइडिया हियर इज वी विल गेट द इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर चेंज। ऑल्दो महिंद्रा रिकमेंड्स 20,000 किलोमीटर, बट आई पर्सनली डोंट लाइक टू रन द इंजन ऑन द ओल्ड और यूज्ड इंजन ऑयल फॉर सो लॉन्ग, सो आई विल ऑलवेज गेट इट चेंज एट एवरी 9,500 किलोमीटर अलॉन्ग विद द ऑयल फिल्टर। एंड उसके बाद जो है कुछ निगल्स हैं गाड़ी में वो हमें चेक कराने हैं, जैसे कि डोर का जो फ्लश हैंडल है वो जो फ्लश होता है जैसे आप दबाते हो तो खुल जाते हैं, वो काम नहीं कर रहा है, तो आई हैव टू गेट इट फिक्स्ड। ऐसे निगल्स आते रहते हैं, नया व्हीकल है, नए सॉफ्टवेयर हैं, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाउ एन आर्किटेक्ट, सो मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं, सो आई एम ओके विद इट, रदर आई एम वेरी ओपन टू इट कि हाँ भाई कभी ना कभी अच्छा फिक्स आएगा, हमारे डेवलपर्स पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, सो दैट्स अ थिंग। और एक है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा, और एक पार्ट चेक कराना है, दैट इज ब्रेक पैड, फ्रंट ब्रेक पैड्स, दोज आर having very good reputation of getting worn out in every 10,000 kilometers, but mine is already 18,000 plus kilometers, so I believe ki ye jo hai brake pad ye worn out pura nahi hua hona chahiye, but depending on my driving style and the intensity of ADAS that I am using, so I always use ADAS एंड एडास में भी मैं उसे लेट सेटिंग करके रखता हूँ, क्योंकि नॉर्मल या अर्ली में क्या होता है, जैसे ही कोई गाड़ी सामने आती है गाड़ी अचानक से ब्रेक मार देता है एकदम एग्रेसिवली, तो पीछे से गाड़ियाँ आके ठोक देती हैं सिटी ड्राइविंग में, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने लेट सेटिंग कर रखा है एंड आई बिलीव इट इट्स फाइन, मेरे लिए तो सही काम कर रहा है, मुझे बचे तो वो चेक कराना है एंड हो गई। एक और अलाइनमेंट कराना है, अलाइनमेंट मेरा पेंडिंग था, थोड़ी सी पुलिंग लेफ्ट को है तो वो करवाना है। तो ब्रेक पैड लेवल्स आर गेटिंग चेक्ड,
I think it should last another 2000 kilometers. Sorry about the noise, यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा noise है. एक बार ये निकालते हैं तो देखते हैं brake pad का क्या हाल है. कितना लेवल अभी होगा? अभी चलेगा ना 5000 किलोमीटर हम लोग. उसके लिए मेरा ये चेक करके मैं बताता हूँ पुल्स रख के कितना एमएम है करके. ठीक है. या सो इट इज स्टिल इन ग्रीन जोन एंड इट कैन लास्ट फॉर अनदर 5000 प्लस किलोमीटर. ओके एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन माय ड्राइविंग स्टाइल. यस सर. ओके कूल. 8mm है सर. 8mm ब्रेक पैड थिकनेस. 8mm still there. So it's not focusing. Okay, focus. Okay, good. Replace करने के ना. इधर ना at least और 5000 8000 किलोमीटर रन ना हुए. चलो. ठीक है सर. So finally we are getting the brake pads cleaned. You can see a lot of dust is here. And to be honest, I just spoke to the advisor. And he is very confident that it will last for another 5,000 to 6,000 kilometers based on my driving style and based on the various driving style living. That's the only term I can find out right now. And honestly, Mahindra's 700 brake pads are not that bad. And even if it is running with ADAS, you can see it is lasting very, very well. Very, very well. Damn well. So you can see, I was expecting the brake pads to be changed or maybe it will last for another 2000 kilometers only. But it was really surprising that it still has juice for another 6000, 5,000 to 6,000 kilometers. Really surprising. And to be honest, there are many videos, many feedback running about brake pad not lasting more than 10,000 kilometers or so. But it completely depends how you drive the vehicle, how you accelerate, how you brake, and basically the driving style. So if you are owning XUV700 AWD automatic or ADAS version, that is L, AX7L versions, then please be confident that the brakes will last. Only thing, you have to adapt to the driving style and learn how to drive it efficiently without burning out your parts. So we got the engine oil top replaced, oil filter replaced, now the brake pads are checked. We are good to go for another long drive. My only intention for this service was 20,000 kilometer service, and just to highlight whether the parts are really very bad or they don't last, just only that was my motive. So I'm pretty confident that it will last more than 5000 kilometers based on my driving style, I should say. But let's see, I shouldn't be very optimistic. There is a pessimistic side as well, and I should be very careful before commenting in a public forum. So yeah, let's see. I'll keep you posted in my next service situation. I'll keep you posted what's the brake situation and all. But this is the update till now. एज पर दिस सर्विस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑयल फिल्टर, फिर इंजन ऑयल जो मैक्सिमाइल अल्ट्रा है, ये सब हमने यूज किया है एंड इसके बिलिंग एडेड है. बट यू कैन सी इन द बिल एज वेल दैट ब्रेक फ्लूइड भी है एंड फ्रंट पैड असेंबली है. बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि ब्रेक पैड चेंज नहीं होने वाला है. देन व्हाई दिस पैड? सो माय आइडिया हियर इज आई विल कैरी द ब्रेक पैड इन केस अगर कहीं मेरा पैड वर्न आउट हो भी जाता है, देन आई हैव द पार्ट अवेलेबल. आई विल जस्ट वॉक इन टू एनी महिंद्रा सर्विस सेंटर
and I'll get the brake pad changed if required. Because कई बार ऐसे होता है remote locations में pad वगैरह इतने latest vehicle के मिलते नहीं है remote locations में, तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ा. एंड अगर वो यूज नहीं होता है तो हम उसे अगली सर्विस में या जब भी चेंज कराना होगा हम उसे यूज कर सकते हैं. दैट्स द ओनली थिंग रनिंग इन माय माइंड. तो जो ओवरऑल बिल है इट इज अराउंड 10,000 rupees, 10,016. देयर वाज वन मैकेनिकल केयर, मैक्सी केयर, लेबर चार्ज वाज एडेड बट दैट वाज डिस्काउंटेड सिंस दिस इज अ फ्री थर्ड फ्री सर्विस. सो यही था महिंद्रा की थर्ड सर्विस का सारा डिटेल जो भी मैंने काम करवाया. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए एंड पूछ सकते हैं. यू कैन जस्ट डू मी अ डायरेक्ट मैसेज एज वेल, और कुछ भी हो तो यू कैन जस्ट पोस्ट योर कमेंट ओवर द वीडियो. थैंक यू.